हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है ज़ीरा भिंडी, जिसके लिए हमें चाहिए 1 अदद टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच नमक और आधा किलो भिंडी। सबसे पहले मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया, जिसमें 2 खाने का चम्मच तेल है। उस तेल में हम ज़ीरा डालेंगे ताकि ज़ीरा अच्छा सा भुन जाए, फ्राई हो जाए थोड़ा सा तेल में। जैसे जीरा फ्राई होगा, हम इसमें भिंडियाँ फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा जीरा फ्राई होना शुरू हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे भिंडियाँ। भिंडी हमने इसमें फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई होने लगते हैं, हम भिंडी फ्राई हम इसमें डालेंगे टमाटर। और टमाटर भी डालते हैं हम भिंडी। अब हमने टमाटर और भिंडी को एक साथ भून लिया। हमारे देख सकते हैं भिंडी और टमाटर हो गए हैं, इसमें हमें डालेंगे हरी मिर्च। मैं इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसमें मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल करूँगा। और आप भी बना के देखेगा बहुत अच्छी बनेगी। और इसमें काम डाल देंगे नमक। हम इसमें मिक्स करेंगे और 30 मिनट कुछ लोग क्या करते हैं, भिंडी के अंदर पानी भी डाल देते हैं। तो भिंडी में पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दम में गल जाती है। हमने टमाटर डाला है, टमाटर का भी थोड़ा सा देखें ये बबल आ रहा है, टमाटर को भी थोड़ा सा पानी होता है। तो अब हम इसको दम दे देंगे 3 मिनट के लिए, और 3 मिनट के बाद हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको भिंडी दिखाती हूँ। हमारी भिंडी तैयार हो गई है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको डिश आउट करूँगी। मैंने इसको डिश आउट कर लिया। ये हमारी ज़ीरे वाली भिंडी तैयार हो गई है। भिंडियाँ देखें सारी अलग अलग हैं, टमाटर अलग है। ये सिर्फ हरी मिर्चों की भिंडी है, इसमें कोई लाल मिर्च, कोई हल्दी, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हरी मिर्चें, टमाटर और नमक और ज़ीरा बस। ज़रूर आप ट्राई करिएगा, ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।